बिहार में जो अपराध का जो तांडव बचा हुआ है उसको नीतीश कुमार जी नहीं रोक सकते हैं। महा 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 जंगल राज है। नीतीश कुमार केवल बैठक ही कर सकते हैं, वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई वाली सरकार नहीं है। बीजेपी उनको दबा के बर्बाद कर चुका है। अक बका गए थे हाउस में, नहीं देखे थे कैसे अक बका करके अनाप शनाप बयान देने लगे थे हम लोग के बारे में। अब उनको मथुरा वृंदावन झोला उठा करके चल जाना चाहिए। बिहार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं अब विपक्ष की ओर से आरजेडी नेता और विधायक तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप, आप भी सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे तरीके से बिहार का खराब हो गया, तांडव मचा रहे हैं। और अभी एक बनिया का उसको अगवा कर लिया गया है, वो गया था पेमेंट लेने के लिए, हम 5 दिन से वो घर नहीं लौटा है वापस। तो पूरे तरीके से अपराध का जो तांडव है पूरे तरीके से और तेजी से अपराध का तांडव बढ़ रहा है पूरे बिहार। ये जो राज है ये महा 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 जंगल राज है ये पूरे तरीके से। कुमार केवल बैठक ही कर सकते हैं, वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई वाली सरकार नहीं है उनकी, वो हत्या वाली सरकार है और लूट वाली सरकार है वो। नीतीश कुमार जी को तत्काल पूरे तरीके से बिहार में जिस तरीके से अपराध का जो ग्राफ जो दिन पर दिन जो बढ़ता चला जा रहा है, इस पर नीतीश कुमार जी को पूरे तरीके से एक्शन लेना चाहिए और इन अपराधियों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। ये बैठक कर रहे हैं, बैठक से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आखिर बैठक से निष्कर्ष निकलना चाहिए ना, तो निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा है? जनता जवाब मांग रही है। बीजेपी उनको दबा के बर्बाद कर चुका है। नीतीश कुमार जी को अक बका गए थे हाउस में, नहीं देखे थे कैसे अक बका करके अनाप शनाप बयान देने लगे थे हम लोग के बारे में। तो केवल नीतीश कुमार जी वही कर सकते हैं। बिहार में जो अपराध का जो तांडव बचा हुआ है उसको नीतीश कुमार जी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है, उनका ताकत खत्म हो गया है। इसलिए अब उनको मथुरा वृंदावन झोला उठा करके चल जाना चाहिए।